ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाने और बारदाने की कमी को लेकर बालोद, कवर्धा और कोंडागांव जिले के केशकाल सहित अनेक स्थानों में किसानों ने आज धरना प्रदर्शन किया। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि राज्य में धान खरीदी के लिए बारदाने की कमी नहीं है। सुकमा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। वहीं किस्टारम इलाके में कल माओवादियों के साथ मुठभेड़ में घायल हुए कोबरा बटालियन के दो जवानों में से एक जवान की इलाज के दौरान मौत। और छत्तीसगढ़ के वनांचल और दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में अगले एक वर्ष के दौरान 3000 बैंक सखियों के माध्यम से बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। अब समाचार विस्तार से। राज्य में समर्थन मूल्य पर चल रही धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाने और बारदाने की कमी को लेकर कोंडागांव जिले के केशकाल, बालोद और कवर्धा सहित कुछ अन्य स्थानों में किसानों ने आज धरना प्रदर्शन किया। केशकाल के धान खरीदी केंद्र में बीते दो दिनों से किसानों का प्रदर्शन जारी है। कल भी किसानों ने चक्का जाम किया था। इस दौरान सड़क पर लंबा जाम लग गया था। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि बीती रात धरना स्थल से किसानों को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। वहीं आज बालोद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने झलमला तिराहे पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इसके अलावा कवर्धा से भी खबर मिली है कि वहां कलेक्टोरेट के सामने किसानों ने बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन किया है। इस बीच भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल आज कोंडागांव जिले के केशकाल के लिए रवाना हुआ। इस 5 सदस्यीय दल में पूर्व मंत्री केदार कश्यप, लता उसेंडी, पूर्व विधायक सेवकराम नेताम, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पूनम चंद्राकर और किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संदीप शर्मा शामिल हैं। ये दल बीती रात केशकाल स्थित धरना स्थल पर कथित रूप से पुलिस द्वारा किसानों पर लाठी चार्ज किए जाने के मामले की अपने स्तर पर जांच करेगा। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विक्रम उसेंडी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने केशकाल में कथित रूप से किसानों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की है। इस बीच खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि राज्य में धान खरीदी के लिए बारदाने की कमी नहीं है। अब तक प्रदेश में निर्धारित लक्ष्य से 94% धान की खरीदी की जा चुकी है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 2 लाख से अधिक किसानों ने अपना धान बेचा है। खाद्य मंत्री ने आज बारदाने की समस्या वाले जिलों के कलेक्टरों से दूरभाष पर बातचीत करते हुए निर्देश दिए कि जिले के जिन उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी हो चुकी है और बारदाने बच गए हैं, ऐसे केन्द्रों से अतिरिक्त बारदानों को कमी वाले खरीदी केन्द्रों में उपलब्ध कराया जाए। सुकमा जिले के तोंडा मरका के जंगल में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया है। घटना स्थल से 12 बोर की एक बंदूक भी बरामद की गई है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सुकमा संवाददाता। सुकमा जिले में डीआरजी की जो टीम है नक्सल ऑप्स में निकली हुई थी। टोंडा मरका के पास नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। तकरीबन 2 घंटे तक पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ चलती रही। इस मुठभेड़ में एक माओवादी का शव बरामद कर लिया है। साथ ही मौके से 12 बोर का राइफल है वो बरामद किया गया है। वहीं पूरे अभियान में डीआरजी की टीम अलग अलग इलाकों से निकली थी जो टोंडा मरका में मुठभेड़ के बाद जिन्हें सफलता मिली है। एसपी शलभ सिन्हा ने दावा किया है कि मुठभेड़ में 8 नक्सलियों को गोली लगी है। घायल नक्सलियों को जंगल कार्ड लेकर जो उनके साथी चली है वो जंगल की ओर ले गए। सुकमा से आकाशवाणी के लिए विष्णु प्रताप सिंह। इस बीच खबर मिली है कि इस मुठभेड़ में मारे गए माओवादी का शव लेकर लौट रहे सुरक्षा बलों के दल पर माओवादियों ने रास्ते में फिर से फायरिंग की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुठभेड़ अभी जारी है। वहीं इसी जिले के किस्टारम इलाके में पालोड़ी के पास कल माओवादियों के साथ मुठभेड़ में घायल हुए कोबरा बटालियन के 2 जवानों में से 1 जवान की मौत हो गई है। इन जवानों को रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 1 जवान कन्हाई मांझी की इलाज के दौरान मौत हो गई। इधर कोंडागांव जिले के केशकाल में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा बिछाया गया विस्फोटक बरामद किया है। 7 किलो वजनी यह विस्फोटक बटराली बावनीमारी के बीच सड़क पर लगाया गया था। यह विस्फोटक सीआरपीएफ की एक बटालियन को निशाना बनाने के उद्देश्य से माओवादियों ने लगा रखा था। बाद में बम निरोधक दस्ते ने इसे सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया। आज देशभर में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 में आज ही के दिन राजस्थान के हनुमानगढ़ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना के 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसके तहत 2 चरणों में 22 करोड़ से अधिक किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए। सरकार ने इस योजना पर अब तक 700 करोड़ रूपये से अधिक की राशि खर्च की है। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक 2 वर्ष में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है, ताकि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी दूर करने के उपाय किए जा सकें।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ के वनांचल और दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में अगले एक वर्ष के दौरान 3000 बैंक सखियों के माध्यम से बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा आज इस संबंध में रायपुर में कार्यशाला आयोजित की गई। इस मौके पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के नेशनल मिशन मैनेजर त्रिविक्रम ने बताया कि भारत सरकार की मंशा हर ग्राम पंचायत में बैंक सखी नियुक्त करने की है। इसके लिए उपयुक्त महिला का चयन कर उन्हें व्यापक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जा रही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत साझेदार राज्य गुजरात और छत्तीसगढ़ में अनेक सांस्कृतिक, सामाजिक और शैक्षिक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। हमारे अहमदाबाद संवाददाता ने बताया है कि शैक्षिक संस्थान इस अभियान का लक्ष्य प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत अहमदाबाद का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जगदलपुर जिले के काकटिया के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के साथ जोड़ीदार बनाया गया है। हाल ही में अहमदाबाद पॉलिटेक्निक कॉलेज ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति और वेशभूषा के अध्ययन जैसी कई गतिविधियों का आयोजन किया था। अब अहमदाबाद पॉलिटेक्निक कॉलेज ने छत्तीसगढ़ फूड फेस्टिवल कार्यक्रम का आयोजन किया है। पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल पीएम पटेल ने आकाशवाणी को बताया, इस कार्यक्रम में हमारी कॉलेज में दिनांक 30 जनवरी को विविधता में एकता का प्रदर्शन करते हुए विभिन्न राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ के परिधान के साथ विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन किया। साथ ही साथ सभी ने मिलकर स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत राष्ट्र को स्वच्छ रखने की शपथ भी ली। और 20 फरवरी को हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें हमारे बच्चे वहां की शाकाहारी व्यंजन बना के जो भी आएंगे उसको खिलाएंगे भी सही और उसमें से पैसा पैदा करने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में 23 फरवरी को देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक कार्यक्रम की 62वीं कड़ी होगी। श्री मोदी ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। लोग अपने सुझाव 1800117800 पर रिकॉर्ड करवा सकते हैं। श्रोता नमो ऐप, ओपन फोरम या MyGOV पर भी संदेश भेज सकते हैं। लोग 1922 पर कॉल भी कर सकते हैं। ये सुझाव शनिवार 22 फरवरी तक भेजे जा सकते हैं। भारतीय थल सेना की भर्ती रैली आगामी 16 अप्रैल से कवर्धा में शुरू होगी। आउटडोर स्टेडियम में आयोजित इस रैली में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे। कवर्धा के पुलिस अधीक्षक डॉ लाल उम्मेद सिंह ने बताया कि इस भर्ती रैली के लिए जिले के उम्मीदवारों को लिखित और शारीरिक परीक्षा की तैयारी कराने के लिए कल 20 फरवरी को निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर शुरू किया जा रहा है। ये शिविर कवर्धा के वीर सावरकर भवन में चलेगा। नारायणपुर में आज से माता मावली मड़ई मेला शुरू हो गया है। ये मेला 23 फरवरी तक चलेगा। इसमें विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा अपने स्टॉल लगाए गए हैं। मेले का शुभारंभ बस्तर सांसद दीपक बैज ने किया। इस दौरान स्थानीय लोक नर्तक दलों की प्रस्तुतियां भी होंगी। रायपुर बलौदाबाजार मार्ग पर आज हुई सड़क दुर्घटना में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित 3 लोग घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बलौदाबाजार के ASP जनकराम ठाकुर और उनका गनमैन बालकृष्ण कुर्रे एक वाहन पर सवार होकर रायपुर से लौट रहे थे। इस बीच विधानसभा थाना क्षेत्र में दोंदीकला के पास एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने उनके वाहन को टक्कर मार दी। हादसे में वाहन चालक भी घायल हो गया है। घायलों का इलाज रायपुर के अस्पताल में चल रहा है। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में आज जिला स्तरीय मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें पुरुष वर्ग का खिताब संतोष राजवाड़े ने और महिला वर्ग का खिताब संगीता राजवाड़े ने जीता। इस दौड़ में पुरुष वर्ग के लिए 20 किलोमीटर और महिला वर्ग के लिए 10 किलोमीटर की दूरी निर्धारित की गई थी। इस मैराथन का शुभारंभ विधायक और सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुलाब कमरो ने किया। मिनी स्टेडियम में आयोजित समारोह में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। छत्रपति शिवाजी जयंती के अवसर पर आज प्रदेश में अनेक कार्यक्रम हुए। दुर्ग में सर्व मराठा समाज द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। बस्तर विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह कल जगदलपुर में आयोजित किया जाएगा। समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल होंगी। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल की अध्यक्षता में कल दुर्ग में होने वाली दुर्ग संभाग के राजस्व अधिकारियों की बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। और रायपुर रेलमंडल में RSD और टिटलागढ़ के मध्य रेलवे लाइन के विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो जाने के बाद विद्युत ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाने और बारदाने की कमी को लेकर बालोद, कवर्धा और कोंडागांव जिले के केशकाल सहित अनेक स्थानों में किसानों ने आज धरना प्रदर्शन किया। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि राज्य में धान खरीदी के लिए बारदाने की कमी नहीं है।
सुकमा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। वहीं किस्टारम इलाके में कल माओवादियों के साथ मुठभेड़ में घायल हुए कोबरा बटालियन के दो जवानों में से एक जवान की इलाज के दौरान मौत। और छत्तीसगढ़ के वनांचल और दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में अगले एक वर्ष के दौरान 3,000 बैंक सखियों के माध्यम से बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।